दोस्तों, हम जो आपको खबर बताने जा रहे हैं उस पर आपको विश्वास नहीं होगा कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा भी फैसला ले सकता है, अपनी खुफिया एजेंसियों को ऐसा निर्देश दे सकता है। वैसे आप सबको पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे पर घमासान मचा हुआ है। সাহস কত বড় বিজেপির ফ্যাক্টরি বেঁধে আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে। তোমরা কি ভাবো এদের আমরা যত্ন করে রেখে দিচ্ছি বাইরে আউটসাইডার? अब यह घमासान इस कदर बढ़ गया है कि वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह नारा चिड़ बन गया है। लोग ममता को चिढ़ाने के लिए उसे देखकर और ज्यादा जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। और वह इसी चिड़ में ऐसी बौखला गई है कि एक निर्देश जारी कर इंटेलिजेंस एजेंसियों से कहा है कि उन जगहों का पता लगाया जाए जहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देखकर जय श्री राम के नारे लग सकते हैं। शायद आपको यह सुनकर हंसी भी आ रही होगी और हैरानी भी हो रही होगी कि यह किसी राज्य के मुख्यमंत्री का निर्देश हो सकता है, मगर दोस्तों यह सच है और यह उसी हिंदुस्तान का सच है जहां पर सबसे ज़्यादा भगवान राम को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले रहते हैं। पश्चिम बंगाल से ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जहां लोग ममता दीदी को देखकर जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं, जिसकी वजह से ममता दीदी काफी परेशान दिखाई पड़ रही है। नारों को लेकर ममता बनर्जी का मानना है कि ये नारे भक्ति भाव से नहीं बल्कि उकसावे के लिए लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा इसे ममता सरकार की दमनकारी नीतियों के प्रति अवज्ञा के रूप में देख रही है। खुफिया एजेंसियों को ऐसे क्षेत्रों की पहचान के साथ ही ममता बनर्जी के उस क्षेत्र में मेन रूट के साथ ही वैकल्पिक रूट को चिन्हित करने की बात कही गई है। सूत्रों ने बताया है कि यह सुनने में भले ही असामान्य लगे, लेकिन यह निर्देश मिला है। ये तय करना कि जय श्री राम का नारा कहां लगाया जा सकता है, कहां नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए इस निर्देश पर अमल करना काफी मुश्किल काम है। कुछ सूत्रों का कहना है कि ममता की यात्रा वाले मार्ग को बिल्कुल खाली कराया जा सकता है। सामान्य रूप से उस तरह के मार्ग को पूरी तरह से बिल्कुल खाली कराया जाता है जहां नेताओं के खिलाफ काले झंडे दिखाने या विरोध की आशंका हो। बता दें कि जय श्री राम बोलना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इन नारों को सुनते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई बार सार्वजनिक रूप से अपने गुस्से का प्रदर्शन कर चुकी हैं। तो दोस्तों, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सामान्य सी बात पर इतना बड़ा भवंडर खड़ा कर देना कहाँ की राज्य व्यवस्था है? ममता के इस निर्देश पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।